सभी जय मसीह एवं प्रॉफिट सर एवं सारी मसीह सारी कलीसिया जय मसीह जी, जय मसीह। मेरी गवाही ये है, मेरी गवाही ये है कि मेरा बड़ा लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा था और जो है हमने एम्स तक उसका इलाज कराया और कोई ऐसा डॉक्टर अमृतसर में नहीं या पंजाब में नहीं छोड़ा कि मतलब जहाँ मैं वो ठीक नहीं हो रहा था जो है। उसके बाद जो है पंडितों के पास हम सयानों के पास कई जगह गए हम, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम जो है एक बार कटरा में हमारी पोस्टिंग हुई 2018 में, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे चर्च है, तो हमने लड़के को यहाँ पे बुलाया और प्रॉफिट से हमने उसकी जो है ना ले हैंड कराई। और ले हैंड कराने के बाद लड़का मेरा बिल्कुल इस टाइम ठीक हो गया। सयाने पंडित कहते थे कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा और जो है इसका ये ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आज की डेट में बीटेक जो है फर्स्ट क्लास से पास हो चुका है और जो है तैयारी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी गवाही मेरी ये है कि जो है मुझे ECG की मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट का एक टेस्ट होता है ECG मेरा ठीक नहीं आ रहा था, तो एक दिन मैं ही सिविल हॉस्पिटल में गया था चेक कराने के लिए, तो प्रॉफिट सर वहीं पे मुझे मिल गए। तो मैंने प्रॉफिट सर से बोला कि सर ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी क्रिएट हुई है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जो है आप जाओ, मैं प्रेयर कर देता हूँ, आप जाओ और ECG कराओ, ECG आपका बिल्कुल ठीक आएगा। और मैं उसी टाइम जो है ना सर ने प्रेयर की और मैं जाके ECG कराया और मेरा ECG बिल्कुल नॉर्मल आया। दोबारा भी मैं अमृतसर गया तो मैंने कहा चलो मैं रेलवे डॉक्टर से भी एक बार जो है चेक करवा लेता हूँ। मैं रेलवे डॉक्टर के पास भी गया और दिखाया, तो रेलवे डॉक्टर ने भी ECG किया और ECG मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हार्ट की। हालेलुया। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी गुड़िया जो है उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, 12th करने के बाद लॉकडाउन लग गया, बच्चे घर में ही रहे, तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम में आ गई थी। तो प्रॉफिट सर के पास में उसको लेके आया, अपने बच्चे को लेके आया, तो घर पे ही प्रॉफिट साहब ने जो है गुड़िया का ले हैंड किया मेरे। गुड़िया जो है इस टाइम बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है और उसका जो है लामे हो गया है और अमृतसर में ही अपनी जो है पढ़ाई कर रही है। चौथी गवाही मेरी यह है कि जो है मेरी मैडम को जो है प्रॉब्लम थी दुष्ट आत्मा की, प्रॉफिट सर ने जो है बिल्कुल घर पे लाके ले हैंड किया और छुटकारा दिया, बिल्कुल इस टाइम कितनी देर से थी, चंगी है कितनी देर से थी, उसको कम से कम 8-9 साल से थी, 8-9 साल बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। पांचवी गवाही सर मेरी ये है कि मैं जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे अकेला था, मैं चीफ लोकल इंस्पेक्टर हूँ, कटरा रेलवे स्टेशन का इंचार्ज हूँ, मुझे छुट्टी रेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन ये है ना कि हमने प्रेयर की और परमेश्वर से जो है कहते रहे, विनती करते रहे, आज की डेट में मेरे पास मेरे अंडर में 2 CRI उन्होंने दे दिए, मुझे कोई रेस्ट छुट्टी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और मेरा ट्रांसफर भी अमृतसर करा दिया है प्रभु ने। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आते थे आपकी डेजिग्नेशन पोस्ट क्या थी? मैं सर उस टाइम था लोको पायलट था, मतलब ट्रेन चलाते थे, ट्रेन चलाता था, और अब मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर लोको पायलट का सबका जितने लोको जो पायलट है उन सबके आप इंचार्ज, मैं सबका इंचार्ज हूं, और उसके अलावा आपको दो वो सीनियर जो CL है वो आपको, हां मेरे अंडर में, आप उनसे भी ऊपर है, हां मैं उनके ऊपर हूं सर, यहां आने के बाद तुम सर बनोगे। विश्वास करिए परमेश्वर जो है बहुत कुछ कर सकता है, बस मतलब विश्वासी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ ये तो ग्रेस वगैरह ये सब नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन अनंत जीवन की परमेश्वर ने जो है हमसे वचन किया है और हमें वादा किया है कि हम अनंत जीवन भी आपको देंगे, सब कुछ है।